हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यू मेथड फॉर लर्निंग वोकैब। ओके, वी हैव बीन पुटिंग वैरायटीज ऑफ द एफर्ट्स फॉर लर्निंग वोकैबुलरी। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और यूपीएससी, whatever the entrance examinations you are preparing for, ठीक है, this module will be useful to you। आप जो भी competitive examination की स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ये method बहुत useful होगी। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि वो जमाना गया कि जहाँ पे सीधे words पूछे जाते हैं। ये सुनो, एक जमाना था जहाँ पे एक word पूछा गया, ठीक है, और उसके ऊपर से आपको synonym antonym पता होना चाहिए। अब जमाना हो गया है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड वोकैब करने का। वेदर यू आर अपियरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और वेदर इट इज कैट और यूपीएससी, इट इज मोर अबाउट, यू कैन से, इन कंटेक्स्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड्स, यू कैन से, विच आर देयर इन द, यू कैन से, इंग्लिश लैंग्वेज, बट ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेज, idioms and phrases and more importantly the key words, ठीक है, हमें comprehension improve करना है। and when I am talking about improving our comprehension, it is very important for us to know precise meaning to various words and thereby this is a perfectly a new method with which we are starting this key word based vocab. We are going to take total 20 modules for this year. Okay, this 20 module will be done in next 2 months time. Okay, so in 2 months we'll be covering all important good quality words. Okay, thoda sa session you can say lamba hoga, but it is very useful. Okay, the kind of content we have incorporated, we'll try to cover roots, prefix, suffix, we'll try to cover important keywords related to economics, law, we'll try to cover technology, we'll try to cover science, we'll try to cover lot of important issues which is connected to your examination. हमारा मकसद है कि जब आप examination करने बैठे, ठीक है, आपसे है ना एक भी word, you can say, दूर ना हो, ठीक है, in the sense कि आपको वो word ऐसा ना लगे कि अरे ये तो नितिन सर ने नहीं पढ़ाया था, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये सुनो, तो ये 20 module के बाद You should say कि नितिन सर जिंदाबाद, तगड़ी मजा आई पढ़ने के लिए। Yes, I am sure. I am going to put all this 100% in this modules. So this is high impact learning. तगड़ी पढ़ाई है, मजा आएगा। आप अपनी नोट्स बनाएंगे, उसके बारे में और स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको इन सभी शब्दों के लिए पहली बार एक्सपोज कर रहा हूं, उसके द्वारा जो जो भी जरूरत की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आपको उसके बारे में और क्यूरियोसिटी जागे तो जाइए पढ़िए, उसके बारे में समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? चलिए ग्रेट दोस्तों, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई एम स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल। बट उसके पहले कुछ चीजें, जैसे वी हैव वर्कड ऑन लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मेथड्स। ओके, सो वी स्टार्टेड विथ वन सीरीज, दैट इज अल्फाबेट सीरीज, ए टू जेड किया था, जहां पर हमने टॉप 200 वर्ड्स करे थे, ठीक है, 200 words, ठीक है, which is, you can say, 5 days of word करके मॉड्यूल कर रहे थे, उसके 40 मॉड्यूल लेकर आए थे हम आपके लिए। ये सुनो, that was in 2019, 20 में we started for, you can say, this Hindu newspaper article, okay, 20 और 21 में we covered Hindu newspaper based vocab, okay, वहाँ पे हमने GK और उसके साथ हमने कोशिश करी थी, अब हम एक नया method लेकर आए आपके लिए। So, अगर आपको उन सभी वीकेंड से वीडियोस देखने हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, प्लीज फॉलो दैट। आपको जो मेथड पसंद लगे पढ़िए, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर, दिस मेथड इज वेरी क्रूशियल कंसीडरिंग ऑल चेंजेस आर हैपनिंग इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए, मैं आपके सामने ये वर्ड कराने वाला हूं, एपेलेशन, टाइट्यूलर, हाइपोकोरिज्म
honorific, misnomer, neologism, nomenclature, taxonomy, you can say phylum. All this group are connected to, you can say, naming, nomenclature, taxonomy, okay? Groupism for some specific word, okay? Okay, jo bhi shabd, okay, jisko आप कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, वो सब वर्ड यहाँ पे कनेक्टेड है. यस नो? सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस वर्ड्स इन दी, यू कैन से न्यूज़पेपर और समवन इज सेइंग दैट आई नो, यू कैन से एक प्रोफेसर साहब थे अभी रिसेंटली वीडियो में आए थे, बोले थे आई एम अ टाइट्यूलर हेड. ओके, आई एम अ टाइट्यूलर हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. ओके, प्रेसिडेंट साहब इज अ टाइट्यूलर हेड, तो व्हाट इज द मीनिंग टू दैट? लेट्स लर्न ऑल दिस वर्ड्स, मजा आएगा. ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड है, समझने में बहुत मजा आएगा. सबसे पहले हम चालू करते हैं एपेलेशन. एपेलेशन इज अ नेम और अ टाइटल विच इज, यू कैन से, लाइक निक नेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन लेट्स से अ काइंड ऑफ सोब्रिक्वेट बोलते हैं, है ना, सोब्रिक्वेट बोलते हैं, ठीक है ना, विच इज अहमदाबाद को बोलता है कि इट इज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट. ठीक है, एक जमाने में, आज तो नहीं, ये सुनो, ठीक है, बैंगलोर को कहा जाता है आज के जमाने में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. ये सुनो, सो दैट सिलिकॉन वैली द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी. ओके, सो दिस आर नोन एज एपेलेशन. ओके, is this comfortable for everyone? So I'm sure you know there are many appellations in a positive sense, in a negative sense, being provided to people. Yes or no? For example, let's say East India Company ko bhi kuch appellation diya jata hoga. Yes or no? Theek hai, jaise you can say British government ki koi offer Indian Dominion banane ki thi, to Gandhi ji ne usko bol diya tha that it is a post dated check. क्या बोला था? इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन, यू कैन से, इंसॉल्वेंट बैंक. ओके, ऐसा करके बोला था. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज एपेलेशन, विच इज अ नेम और टाइटल गिवन विच इज सॉर्ट ऑफ निक नेम. ऑब्वियसली निक नेम होता है भैया बंदे का, है ना भाई, कोई चिन्मय है तो उसको चिंटू बोल दिया, तो विच इज एपेलेशन? पॉसिबली नॉट. इट इज नोन एज सोब्रिक्वेट विच इज, यू कैन से, फेमस. ठीक है, पूरी लेकिन से दुनिया में वो चीज, पर्टिकुलर चीज के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एपेलेशन. देन यू हैव अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड, यू कैन से, टाइट्यूलर. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन से बेन किंग्सले पोर्ट्रेड अ टाइट्यूलर रोल इन अ मूवी कॉल्ड गांधी. ओके, सो इट इज रिलेटिंग टू टाइटल. टाइट्यूलर इज रिलेटेड टू title and the meaning is it is related to title only. Okay, in reality that post, when someone says titular post, us post ke paas koi power nahi hai, wo post sirf aur sirf ek title dene ke liye hai. Like president of India is a titular head of the government. Okay, so that means the decision is not taken by the president of India. The decision is taken by someone else. Okay, under the aid and advice of Prime Minister. Okay, they put, you can say, all the decision. So that is also termed as nominal position. क्या वर्ड यूज होता है? नॉमिनल पोजिशन. यस नो? सो नॉमिनल पोजिशन इज जस्ट नाम मात्र. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, दैट इज हाउ द वर्ड इज कॉल्ड टाइट्यूलर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एक मूवी आई थी विच इज नरेंद्र मोदी अब कोई रोक नहीं सकता, विद दैट यू कैन से नॉमिनक्लेचर विच इज बेसिकली यू कैन से कोरोना के आजू बाजू आ रही थी. ठीक है, बट एनी वे द पॉइंट इज, ठीक है, द हियर द टाइट्यूलर रोल was played by, you can say, Mr. Vivek Oberoi. Yes or no? ठीक है, वैसा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई बंदा, है ना, जैसे अरुण गोविल ने राम भगवान का कैरेक्टर, you can say, प्ले किया. ठीक है, तो जहां कहीं अरुण गोविल जाते थे लोग बोलते थे क्यों देखिए राम भगवान जा रहे हैं. यस नो? अब यहाँ तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, जहां कहीं मोदी साहब जाएंगे लोग बोलेंगे विवेक ओबेरॉय. समझ रहे हो? चलो कोई नहीं. हाइपोकोरिज्म. ओके, इट्स अ पेट नेम और दैट्स यू कैन से निकनेम इन अ प्रॉपर निकनेम विच शोज लव एंड अफेक्शन. ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चिन्मय करके जो लड़का था उसको बोलते थे चिंटू.
ये सर नो, अभी ब्रिटिशरों में या अमेरिकन वहाँ पे तो बहुत जोसेफ को जॉय बोलते हैं, बेनेटन को एक इनसे बैन बोलते हैं, ये सर नो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड बनते हैं। इंडिया में भी ऐसे है भाई, एक इनसे पेट नेम, निक नेम, जहाँ पे लोग अफेक्शन के द्वारा बुलाते हैं, जैसा अमित शाह को लोग बुलाते हैं कि भाई मोटा भाई, है ना, विच इज गुजराती में मोटा भाई मीन्स समवन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, ओके, सो दैट इज बाय लव एंड अफेक्शन मोटा भाई करके बुलाते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोकोरिज्म, ये सुनो। सो दोस्तों समझिएगा, अभी तक हमने मजेदार तीन वर्ड देखे, एपेलेशन, टाइट्यूलर, हाइपोकोरिज्म, तीनों तीन का नेचर अलग है, ओके, तीनों तीन का नेचर अलग है। एपेलेशन इज अ सोब्रिक्वेट, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड जगह का नाम, ओके, ठीक है, देन वी हैड अ वर्ड कॉल्ड, यू कैन से टाइटुलर पोजीशन और टाइटुलर नेम, जस्ट फॉर द नेम सेक, ओके, फॉर द टाइटल पोजीशन, व्हाइल हाइपोकोरिज्म इज कमिंग फ्रॉम लव एंड अफेक्शन, व्हाइल ऑनरिफिक इज बाय गिविंग ऑनर, ओके, सो पद्म भूषण इज एन ऑनरिफिक टाइटल, ओके, सो व्हेन यू गिव ऑनर, यू डोंट गिव ऑनर, यू बेस्टाव द ऑनर, क्या बोलते हैं, bestow upon the deserving man and woman, this is called giving honor, okay, so you know in today's time, so dosto when we are putting photographs, theek hai, we have applied our mind, hai na, to give you some idea, okay, theek hai, so follow that, okay, this is crucial, matlab ek ppt mein 50% space agar photograph ki hai to wo bhi learning ka ek mahatvapurna part hai, usko miss nahi kariyega, okay, chaliye great, dekhiye mr मिस और मिस, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो जेंडर न्यूट्रलिटी यहां से निकलती नहीं है, ये सुनो, देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू जेंडर न्यूट्रलिटी व्हेन यू आर सेइंग मिस्टर, बिकॉज मिस और मिसेस किसको बोले, यहां तो एक ही आदमी, तो भैया एक नाम हो गया, एम एक्स कर दो, तो दैट इज रिस्पेक्टेड, मेसर्स करके नाम आ जाता है, मिस नॉमर, है ना, इज अनदर गुड वर्ड, मिस नॉमर, मिस नॉमर इज अ इनकरेक्ट नेम और अ टर्म और अ डेजिग्नेशन, ओके, इट इज इनकरेक्ट नेम और अ टर्म और अ डेजिग्नेशन, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मॉर्निंग सिकनेस इज अ मिस नॉमर एज अनइजीनेस कैन अकर एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरली अ मॉर्निंग स्टफ, यस नो, सो दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस, मिस नॉमर, फॉर एग्जाम्पल जेली फिश एंड स्टार फिश, दे आर मिस नॉमर, दे लुक लाइक जेली, they look like star, but they are not fishes, yes or no, koala bear, it's not bear, okay, I hope you understand that, that is called misnomer, theek hai, unko incorrect name diya hua, I think this is easy for you, neologism is newly coined word or expression, okay, like word called webinar is a neologism, hai na, which is you can say new word which is being created, yes or no, for example you have heard about socialism, okay, when you go and meet people you socialize, okay, but when you go for socializing, okay, and you are into your phone, aap apne mobile phone mein hi pade ho, theek hai, aaju baaju wale logo se baatein nahi karte ho, then that is called socialism, okay, that is called neologism, naya word socialism, no socialism, theek hai, that is called socialism, theek hai bhai, aaj आप जो मिलेनियल हो तो मिलेनियल वर्ड यूज करते हैं, बोगो, फोमो, ये सर नो, मतलब दे आर न्यूलॉजिज्म, ये नए वर्ड बनते रहते हैं, ठीक है, एंड इफ यू मीट सम टाइम इन योर लाइफ, ठीक है, शशि थरूर साहब, ट्राई टू टेक एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम हिम, ये सर नो, आस्क हिम कि मेरे टीचर ने बताया सर आपके 5 वर्ड बता दीजिए कोई, है ना, जो मुझे जिंदगी भर याद रहे, ठीक है, वैसा कुछ, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ ब्रिंगिंग दिस नियोलॉजिज्म. नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इज ऑल अबाउट नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग, ओके, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, है ना, साइंस के बच्चों ने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक नोमेनक्लेचर होता है, कैसे नाम देना, मतलब दैट टर्न आउट टू बी अ बैकबोन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो हो गया नाइटमेयर बच्चों के लिए, कितना याद रखना पड़ता है, पता नहीं क्या नोमेनक्लेचर बनाया, सीधा बोलते क्यों नहीं है किसका नाम ये है, ये सुनो, ठीक है, बिल्कुल, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू गो बाय नोमेनक्लेचर फॉर लेट्स से बॉटनी, नोमेनक्लेचर फॉर जूलॉजी, ओके, मतलब इट टर्न्स आउट टू बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, ओके, नोमेनक्लेचर भारत में लोगों के नामों में बड़ा कंफ्यूजन है,
ठीक है भैया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गुजरात में कोई भी बंदा है, उसका नाम आता है पहले सरनेम आ गया, ये सर नो, ठीक है, फिर उस बंदे का नाम आता है, उस नाम के पीछे जनरली यू कैन से रिस्पेक्ट देने के लिए भाई लगा दिया जाता है, ठीक है। नाउ विद द अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यू कैन से पीपल इन गवर्नमेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बैंकों में, अलग अलग स्टेट से जब लोग आने लगे, तो वहां पे एक बार कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि भैया आपका नाम रमेश है या रमेश भाई है, बताइए, रमेश अलग है, रमेश भाई अलग है, रमेश कुमार अलग है, ये सुनो, सो दोस कंफ्यूजन स्टार्टेड टू गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। इन 70s, 80s, 90s के जमाने में रमेश लिखा हो, रमेश कुमार लिखा हो, रमेश भाई लिखा हो, सब बराबर था, ये सुनो। नाउ विद द अराइवल ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पे रमेश कुमार अलग है, रमेश अलग है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगेन से जो अगेन से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगा। साउथ इंडिया में सरनेम की तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, नॉमेनक्लेचर इज क्रिएटिंग समटाइम्स अ प्रॉब्लम, अगर कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं हो तो उसकी वजह से एक सिस्टम बनाई जाती है जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। ये सुनो भैया, टेक्सोनॉमी क्या है? इट्स अ साइंस of dealing with classification and organization into certain category. Yes or no? For example, animals है, उनको category में डालना है कि वो कौन से domain के हैं, कौन से kingdom के हैं, कौन से phylum के हैं, कौन से class के हैं, कौन से order के हैं, कौन सी family के हैं, कौन से genus के हैं, और फिर finally कौन से species है। Yes or no? For example, we have, you can say cat. Cat is a family. ओके, कैट इज अ फैमिली, उसके अंदर आता है लेपर्ड, टाइगर, लायन, ये सुनो, दे आर कैट फैमिली मेंबर्स, ये सुनो, कैनाइन फैमिली मेंबर्स, ओके, फॉक्स, ठीक है, कैनाइन फैमिली मेंबर, डॉग्स, ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो टेक्सोनॉमी डील्स विथ, यू कैन से अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन टू सर्टन कैटेगरी, ओके, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज और फॉर्मुलेटेड क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, टेक्सोनॉमी को। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इकोनॉमिक प्रोफेसर वन नोबेल प्राइज फॉर इज डिटेल टेक्सोनॉमी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, प्लीज टेल मी हु वॉज द प्रोफेसर हु वन नोबेल प्राइज फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यू कैन से यूनिट्स, ठीक है, इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, जिन्होंने टेक्सोनॉमी अप्लाई किया और वहां से यू कैन से थोड़ी क्लैरिटी बनी, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में लगाया गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो दोस्तों, एक आता है फाइलम, ठीक है, हमने अभी देखा, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, डोमेन एक बड़ा यू कैन से ग्रुप है। डोमेन क्या हो गया भैया? डोमेन हो गया एक तरीके से आपके पास भैया चार पैर पे चलने वाले एनिमल्स, ठीक है, तो वो हो गया डोमेन। फिर वो कौन से किंगडम में रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा एशियन लायन इज यू कैन से अगर देखा जाए तो वो एक ही जगह पे अवेलेबल है, गीर, ओके, सो दैट्स देयर किंगडम। दोस लायंस कैन नॉट लीव इन अनदर एरिया, दे डोंट हैव दैट देयर किंगडम, ओके, व्हाइल टाइगर्स हैव यू कैन से लॉट ऑफ अदर किंगडम, ओके, ठीक है। तो ये भैया उसी में एक आता है फाइलम, विच इज अ टेक्सोनॉमी कैटेगरी और अ सब डिविजन इन जूलॉजी विच ग्रुप्स टूगेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द सेम बॉडी प्लान लाइक हॉर्सेस एंड ज़ेब्रा, ओके, दे हैव सेम बॉडी प्लान, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी प्लान सेम है, दैट इज कॉल्ड फाइलम। उसी तरीके से होता है जीनस, इट इज नोन एज जीनस, ओके, जीनस का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस एंड ज़ेब्रा आर पार्ट ऑफ सेम जीनस, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू यूज जीनस, ओके, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, सो अग्रीमेंट इज अ जीनस एंड कॉन्ट्रैक्ट आर द स्पीशीज इन इट, ये सुनो, सो ये हो गया जीनस, जीनस इज द ओरिजिन, ओके, और उसके ऊपर से स्पीशीज आता है, ये सुनो, ठीक है, स्पीशीज है, सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच आर द स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस विच इज कॉल्ड अग्रीमेंट, हर अग्रीमेंट के वो पार्ट है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए, वेरी गुड।
सो दोस्तों ये जीनस हो गया, जीनस का पार्ट हो गया स्पीशीज। आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, यू मे पॉसिबली गिव मी सम एग्जांपल ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल मर्डर्स आर होमिसाइड। आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट होमिसाइड, यस और नो? ऑल मर्डर्स आर होमिसाइड, सो मर्डर इज अ स्पीशी ऑफ अ जीनस। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट ग्रेट, आप समझ सकते हैं इस बात को, और स्पीशीज उसी का पार्ट है। ओके, सो प्रिंसिपल टेक्सोनोमी यूनिट इन अ बायोलॉजी विच कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज अ सिमिलर फीचर एंड दैट आर केपेबल। सो फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, वी आर होमोसेपियंस। ओके, सो दैट इज स्पीशीज, होमोसेपियंस। ओके, स्पीशीज आर प्लूरल। ओके, दैट इज ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। ओके, स्पीशी एंड स्पीशीज, स्पेशलाइज स्पीसीज, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आई होप दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज क्लियर इन योर हेड। सो व्हाट आई स्टार्टेड विथ इज द ग्रुप ऑफ की वर्ड्स कनेक्टेड टू, यू कैन से नोमेनक्लेचर, ओके, और टेक्सोनॉमी, और यू कैन से टाइटुलर। सो आई कवर्ड साइंस के मुताबिक डिवीजन कैसे होता है, ओके, या ऑनर के मुताबिक क्या नाम दिया जाता है, या टाइटल के मुताबिक क्या नाम दिया जाता है, लव एंड अफेक्शन के द्वारा क्या नाम दिया जाता है, ये सुनो, सोब्रिक्वेट एक रिस्पेक्ट देने के लिए क्या नाम दिया जाता है, ये सुनो, या कभी कभार गलती हो गई तो मिसनोमर क्या है। दोस्तों फटाफट है ना, आपको करना क्या है, आपको हर एक वर्ड को कमेंट सेक्शन में अपना एक ओपिनियन देना है, उस वर्ड के बारे में एक सेंटेंस लिख के बताइए कि एपेलेशन का मतलब क्या है, या तो आप वो बताइए, या तो एपेलेशन के को यूज करते हुए एक सेंटेंस बना के दे दीजिए। दोस्तों अगर टू वे पढ़ाई होगी ना, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वन वे पढ़ाई में मजा नहीं है, ये सुनो, वन वे पढ़ाई में आपने ये वीडियो देखा और आपने पढ़ लिया, चलो काम हो गया, आपने कुछ सीखा क्या? सीखेंगे कब? जब आपने ये सुना, सुनने के बाद ब्रेन को यूज करा, ब्रेन को यूज करते हुए उसके ऊपर कुछ काम किया, तो बात बराबर है। Is that comfortable for everyone? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते दोस्तों, है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सिलेबल, वोकेबुलरी क्या है ये पता है, वोवेल क्या होता है, वोवेल इज मोर अबाउट इनसे बोलना। ओके, सो हमारी हिंदी में जो 12 खड़ी आपको सिखाई थी, 12 अक्षर सिखाया आपको, उसमें जो भी स्वर होते हैं, ठीक है, व्यंजन नहीं स्वर, ओके, विच इज अ आ ई ऊ, ये वाले जो होते थे, ठीक है, दे आर कॉल्ड स्वर, दे आर कॉल्ड वोवेल, ठीक है, दे स्टार्ट विथ ए ई आई ओ यू इन इंग्लिश, एंड देन वी हैव कॉन्सोनेंट्स आर द अल्फाबेट्स विच आर नॉट वोवेल, लाइक यू कैन से ए बी सी डी ई एफ जी में से बी सी डी एफ जी एच, उस तरीके को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कितना सिंपल पढ़ा रहे हो सर, क्या करूँ, एक बार मैं फटाफट ओवरव्यू तो दे दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। सिलेबल कैसे प्रोनाउंस करना, वन ऑफ द मिनिमम यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर, ओके, वाटर में दो सिलेबल है, वाटर वाटर, ओके, बनाना बनाना, ओके, दैट्स कॉल्ड सिलेबल। वोकेबुलरी इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न, वोकेबुलरी प्लूरल होगा वोकेबुलरीज, वोकेबुलरी वर्ड का स्टॉक होता है, ये सुनो, बहुत ज्यादा वर्ड का स्टॉक होता है, तो दिस इज व्हाट वी लर्न, वोवेल, कंसोनेंट, सिलेबल एंड वोकेबुलरी। नाउ वी गो टू लिटिल बिट मोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट, यू कैन से ऑल दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर क्या बात करो, ग्रामर भी सिखाओगे क्या? अरे भाई क्या करे, है ना, अच्छे वर्ड सीखने हो, की वर्ड्स के द्वारा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा, ये सुनो, लेट्स स्टार्ट। नाउन भैया नाम की जगह पे, मतलब सॉरी, किसी आदमी को, प्लेस को, क्वालिटी को, थिंग को डिफाइन करना है, देन यू यूज नेम, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, दैट इज इंग्लैंड, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से नाउन, पर्सन, मैन, वुमन, टीचर, जॉन, मैरी, ये सबके लिए नाउन होता है। फिर आता है कॉमन नाउन, ठीक है, एंड यू कैन से स्पेसिफिक नाउन या प्रॉपर नाउन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ओके, वाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, दैट्स अ कॉमन नाउन, प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन, ये सुनो, कि भाई जो भी बंदा उस कंट्री का हेड होगा हम उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन नाम की जगह पे जो यूज हुआ, आ यू ही शी वी ईट, ऐसा करके, दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी
इट ऐसे यूज होता है, ये सुनो, ही किसके लिए, मेल के लिए, शी किसके लिए, फीमेल के लिए, इट किसके लिए, इनएनिमेटेड या ऑब्जेक्ट के लिए, जब कोई जिंदा आदमी नहीं है या एनिमल है या उसके लिए, तो भैया इट होता है। तो भैया इंडिया अब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नेशन हो गया है, तो वहां पे ट्रांसजेंडर के लिए क्या वर्ड यूज होगा, सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ड कॉल्ड दे, दे इज अ सिंगुलर। सर क्या बात कर रहे हो, बचपन से हमने तो देखो प्लूरल सिखा था, आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो। ना 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 ना, ना मत चिंता करो, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहे। दे रेफर्स टू अगेन से सिंगुलर थर्ड जेंडर के लिए, इट इज प्राइमरली फॉर थर्ड जेंडर। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। बढ़िया, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाम के आगे लगता है। ये सुनो, समवन हु इज वेरी हैप्पी, सो इज टर्म्ड एज सेटिस्फाइड सोल। ठीक है, ये सोल कैसा है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड मतलब हैप्पी है। ये सुनो, सो दोस्तों हम अगेन से जब एंट्रेंस एग्जाम खत्म होती है, सो वी बिकम अगेन से अनसेटिस्फाइड सोल, एंशियस सोल, हेजिटेंट पर्सन, ईगर, जॉयफुल, अशेम्ड, ये सब वर्ड क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, एडजेक्टिव इस नाम के आगे लगता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है, तब जाकर तो ग्रामर समझ में आएगा ना। ठीक है, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रामर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ग्रामर की एक अंडरस्टैंडिंग तो पूछी जाएगी। सो दोस्तों उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज हुआ सेंटेंस के अंदर, कैसे यूज हुआ, दी एग्रेसिव टीचर। सो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि भैया वो टीचर के आगे वर्ड यूज हुआ, दैट्स एन एग्रेसिव टीचर। ओके, द शो इज इंटरेस्टिंग, द शो इज इंटरेस्टिंग। अब यहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया, द शो इज इंटरेस्टिंग, शो कैसा था, इंटरेस्टिंग था, तो इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे यूज हुआ, जनरली हमने सुना है कि नाम के आगे लगता है, बट इन रियालिटी उसका यूसेज कैसे है, वहां से पता चलता है कि वो एडजेक्टिव है या अगेन से नाउन है। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, क्रियापद वर्ब, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड विच इज वेरी क्रूशियल। दोस्तों वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे, वर्ब को अगर आप सही तरीके से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या एक्शन हो रही है। ज्यादा वोकैब जो आपको सीखनी है वो वर्ब की सीखनी है, बिकॉज वर्ड्स अगर वर्ब में यूज हुआ तो बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रन, ओके, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, माई कंप्यूटर इज नॉट रनिंग राइट नाउ, वॉट इज द मीनिंग ऑफ माई कंप्यूटर इज नॉट रनिंग, इट सेज कि भैया कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये सुनो, फिर आप देखो फ्रेजल वर्ब, ओके, रन इन, रन आउट, रन अवे, ठीक है, रन फॉर, रन ऑन, ठीक है, कितने सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ये सुनो, सो वर्ब्स आर कमिंग विद लॉट ऑफ कलर्स, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ। ये सुनो, हाउ दिस वर्ब्स, हाउ दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, ओके, समटाइम्स द वर्ड एंक्शियस, ठीक है, हैज अ डिफरेंट मीनिंग। So for example, let's say you are anxious before examination, ठीक है, you have anxiety, okay, about the examination, okay, he is anxious, ठीक है, about the views, ठीक है, of for him or his perception in the mind of people, so he is anxious, okay, so that means वहाँ पे वो we can say वो वाली anxiety में नहीं था जैसे exam की anxiety है जहाँ external factor से आया, उसको एंग्जाइटी आई बट दैट इज कमिंग थ्रू इंटरनल फैक्टर्स, ये सुनो, तो वो थोड़ा सा कैसे मतलब अलग बन जाएगा। ये सुनो, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, तो वर्ब समझ में आया, ग्रेट। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये सुनो, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एन एक्शन, ये सुनो, सो यू हैव टू कैसे जेंटली रब योर हैंड्स विथ सैनिटाइजर,
ये सर हो भैया, सैनिटाइजर से जेंटली रब करना है। इफ़ यू डोंट रब जेंटली, जोर जोर से करोगे तो भैया स्किन बाहर निकाल के निकाल दोगे। ये सर हो, सो भैया ये हो गया जेंटली स्ट्रांगली, ठीक है। देखो ना कितने सारे, पीसफुली, रेकलेसली, वरीडली, स्टाइलिशली, सेवेजली, ब्रूटली, कितने सारे एडवर्ब आपके सामने दिख रहे हैं। सो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। जनरली एडवर्ब कम्स विथ ly, इट इज हैविंग अ सफिक्स कॉल ly, एफर्टलेसली, स्टाइलिशली, पीसफुली, चीयरफुली, ग्रेसफुली, सो ly ज्यादातर, ओके। चलिए ग्रेट, आई होप इट इज वेरी क्लियर। प्रीपोजिशन, ठीक है, तो दैट इज वर्ड विच इज कमिंग बिफोर, सॉरी प्रीपोजिशन विच रेफर्स टू कि वो जगह कहां पे होगी। सो दैट इज, इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज ऑन द स्टेज, द बॉय ऑन द स्टेज, ऑन, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट कहां है, वेयर इट इज, ही केम आफ्टर डार्क, कब आया, शी जम्प्ड इन द सी, वी ड्रोव डाउन द माउंटेन, ये सर नो, ठीक है। दोस्तों आपकी अलग अलग एग्जामिनेशन में ज्यादातर जैसे यूजी लेवल की एग्जामिनेशन आप देखेंगे, ये सर नो, या कंपिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, यू कैन से, या एनईटी नेट देख लीजिए, या तो आप बैंक की एग्जाम ले लीजिए, वहां पे आपको ऐसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। प्रीपोजिशन के अपने रूल होते हैं, भाई रूल बहुत सिंपल सा है कि द बॉय इज वेयर, ही इज इन द स्टेज और ऑन द स्टेज, ठीक है। अब ये समझने की बात है कि भैया ऑन द स्टेज होगा, इन द स्टेज नहीं होगा, ही इज इन द रूम, ओके, ही केम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, सो ऐसे वर्ड यूज होता है। प्रीपोजिशन, उसके अपने रूल्स होते हैं दोस्तों, ग्रामर के अपने रूल्स है प्रीपोजिशन के, विच यू हैव टू लर्न। वी विल पॉसिबली ट्राई टू टेक सम ग्रामर मॉड्यूल्स एज वेल ऑन द प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन दैट इज कनेक्टिंग टू वर्ड्स, ओके, एंड, बट, इफ, व्हाइल, although they are conjunction, उसके अपने तरीके होते हैं। For example, when can you use and when you are putting two similar things connecting? Okay, when you use but when you are talking about two dissimilar thing, yes or no? ठीक है, okay, although is also the dissimilar thing. I think this is pretty clear to you. And subject and object, every sentence has three thing. Okay, Chris ate the apple, तीन चीजें, Chris subject है, ate verb है, एप्पल ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है। आपको आगे फ्यूचर में ग्रामर करने के लिए ये बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्रिस एट द एप्पल, क्रिस इज अ सब्जेक्ट, एप्पल इज द ऑब्जेक्ट, एंड एट इज द वर्ब, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर, सो लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, शी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। द लेजी गर्ल जस्ट गॉट अप, गॉट अप इज अ वर्ब, यू कैन से दैट इज, यू कैन से वर्ब, ठीक है। लेजी गर्ल इज द सब्जेक्ट, एंड जस्ट दैट इज अभी इज द ऑब्जेक्ट। I hope it is very clear to everyone. चलिए great. So this is very clear to you. So दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको कुछ ग्रुपिज्म बताऊं, साथ साथ में कुछ फंडामेंटल ग्रामर के भी फंडा बता दूं, और अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, रूट्स के बेसिस के ऊपर वर्ड्स, है ना। अब आप देखेंगे क्रेसी नाम का मैंने रूट लिया है या सफिक्स लिया है, विच इज टर्मिंग एज रूलिंग, ये सुनो भैया रूलिंग है, ओके। सो दोस्तों हमने जो पिछले वर्ड्स पढ़े उसके रिलेटेड कुछ होमवर्क मैं देना चाहूंगा। दोस्तों कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सब लिख दीजिए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दीजिए, ठीक है, कि भैया इवान कैप इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, सबके नाम लिख दीजिए, ठीक है, ओके, चलिए ग्रेट। ये मैंने बता दिया आपको, इवान कैप, ठीक है, ओके, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये आखिरी मुद्दा है आज का हमारा, ठीक है। क्रेसी इज अ रूलिंग, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, विल लर्न ऑल दिस वर्ड्स। मजेदार वर्ड है, कुछ तो इजी वर्ड है, कुछ तो बहुत डिफिकल्ट है, चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी, आई एम श्योर यू नो वर्ड डेमो, डेमो मीन्स पीपल, ओके, वहां से वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, दैट इज हाउ द डेमोक्रेसी, ओके, उसके दैट इज पीपल रूलिंग, ओके, द वर्ड इज डेमोक्रेसी, क्रेसी मीन्स रूलिंग, अ गवर्नमेंट
is run by the people by electing representative through voting. That is called democracy. By the people, for the people, of the people. That is called democracy. Yes or no? Kuch log bolte by the people. You can say for the people, of the people. Yes or no? भाई इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? मजाक में तो ऐसा ही बोलते हैं कि भैया बाय द पीपल परचेस करो, ऑफ द पीपल मतलब पॉलिसी बनाओ, लोगों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कुछ भी बनाओ, ठीक है? क्या ही फर्क पड़ता है, बराबर है? फार अवे फ्रॉम द पीपल, ठीक है भाई, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि जनता को क्या हो रहा है. बट एनीवे, डेमोक्रेसी समझा हमने. यस नो? सो डेमो के साथ वर्ड बनेगा. वेर एवर यू फाइंड अ वर्ड विथ डेमो, इट मीन्स रिलेटिंग टू पीपल. For example, we have a demography. Okay, so what is graphy? Something is written about people. Demography. People के बारे में कुछ लिखा होगा. मतलब क्या लिखा होगा? People के बारे में लिखा है कि भैया कितने male है, कितने female है ना? कितने educated है, कितने uneducated है? Urban में कितने रहते हैं, rural में कितने रहते हैं? आपने सुना होगा a word demographic dividend. दोस्तों ये मैं key term आपको दे रहा हूँ. Please explain me what is the meaning of demographic dividend. Okay, समझदार बच्चे इस तरीके से keywords पकड़ेंगे और समझेंगे कि भारत जैसे देश में we have an advantage of demographic dividend and how can we, you can say, gain benefit of it. Okay, that is called demography. Then there is called oligarchy. Okay, what is oligarchy? The government run by few powerful people, that is called oligarchy. Okay, so example is China, kuch limited group of people. Okay, USA mein bhi hai na, it is white supremacy ke bare mein baat ho rahi hai. Yes or no? Theek hai dosto, USA mein bhi bahut sare racial discrimination chalte hai. Abhi tak koi aisa black, you can say, president nahi bana. We have a vice president, first black vice president coming in USA, कमला हैरिस. यस नो? सो ऑलिगार्की, फ्यू पावरफुल डोमिनेंट पीपल रूलिंग इन दैट रीजन. यस नो? अब आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा ऑलिगोपॉली. यस नो? आपने सुना होगा मोनोपॉली. यस नो? ठीक है, आपने सुना होगा ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली. ठीक है, और क्या वर्ड सीखे होंगे आपने इसके द्वारा? ऑलिगोपॉली सीखा था मैंने, मोनोपॉली सीखा था, फिर दिखा था मैंने परफेक्ट कंपिटिशन. ठीक है, क्या वर्ड सीखा था? परफेक्ट कंपटीशन. सो दोस्तों प्लीज टेल मी ऑल दिस, ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली, परफेक्ट कंपटीशन, इन सब के मतलब क्या होता है? लिख दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में. दिस इज अनदर होमवर्क फॉर यू. बिल्कुल काम का होमवर्क है भैया. ऑलिगार्की, फ्यू लिमिटेड. सो ऑलिगोपॉली, फ्यू लिमिटेड, परफेक्टली, वी कैन से ऑलिगोपॉली मार्केट कौन सा है? ओके, बताइए दोस्तों. ठीक है, ओके. फिर ये ऐसा ही बड़ा था, डिओपॉली. ठीक है, डिओपॉली, चलिए ग्रेट. ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी सेल्फ रूलिंग. सेल्फ रूलिंग का क्या मतलब हो गया? एनीवन हु इज रूलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज सेल्फ रूल, विच इज हैविंग अनलिमिटेड पावर. ठीक है, इफ आई फील कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो खुद राजा हूं ना. ठीक है, मेरे को किसी को जवाब थोड़ी देना है कि भाई ये मेरे को क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ. बहुत बार जब लोग ऐसे कॉन्सोर्शियम बनाते हैं, एक ग्रुपिज्म बनाते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली गेन लॉट ऑफ पावर. ठीक है, जब लोग उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, सो गवर्नमेंट रन बाई वन पर्सन विथ अनलिमिटेड पावर, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी. बहुत सारी जगह ऑटोक्रेसी चलती है भैया. ये रहे आपके सामने एग्जांपल्स. ऑटोक्रेटिक दुनिया है यहां तो. यस नो? सो दैट इज ऑटोक्रेसी. मोनोक्रेसी, रन बाय वन सिंगुलर पर्सन. यस नो? अब मोनोक्रेसी अलग अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड मोनोक्रेसी. यस नो? ठीक है, और एक मोनोक्रेसी होती है सेल्फ अपॉइंटेड मोनोक्रेसी. सेल्फ अपॉइंटेड मोनोक्रेसी हो गई कतार, सऊदी अरेबिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड मोनोक्रेसी इज लाइक डेनमार्क, कुवैत, जापान. वहां राजा है. यस, वहां राजा है. राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखी हुई है कि भाई हम वहां के राजा है और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे नीचे. कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है, जैसे राजा अकबर ने बना के रखा था कि मेरे नीचे नौ रत्न है, नौ रत्न राज करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा. चलिए अच्छी बात है. ठीक है, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी. ठीक है, प्लूटोक्रेसी रेफर्स टू गवर्नमेंट रूल्ड बाई वेल्दी पीपल. ठीक है,
एक जमाने में रोमन एम्पायर में अमीर लोग ही सब कुछ चला राज करते थे, ये सुनो आज वैसा ही दुनिया हो चुका है ना, प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड। यू गो टू अमेरिका एंड यू सी हु इज रूलिंग, रिच पीपल है ना, बिल गेट्स, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है, टेस्ला के भाई साहब इलॉन मस्क। इंडिया में भी कौन रूल करता है, किसके पास ज्यादा पावर है, टाटास, बिरलास, अंबानीज है ना, ठीक है, अदानीज, दे आर द प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर लोग बहुत लड़ाई करते हैं, कैसा प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, ये सुनो, वी नीड दी से इक्वालिटी एवरीवेयर। इसीलिए इंडिया में सोशलिज्म की बातें होती थी, ये सुनो क्या बोलते थे हमें, वी नीड वेलफेयर स्टेट, लोगों का भला हो ऐसा हमें देश चाहिए, ये सुनो, वी डोंट वॉन्ट प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एलपीजी हम लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हम लेकर आए तो हमारा सबसे बड़ा डाउट यही था कि भाई ये तो ऐसी प्लूटोक्रेटिक दुनिया बना देगा, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। ये सुनो, यू माइट हैव सीन इनइक्वालिटी, द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी एज प्रोपाउंडेड बाई से कार्ल मार्क्स एंड इन मॉडर्न वर्ल्ड बाई से थॉमस पिकेटी। ये सुनो, हर्ड अबाउट दिस जेंटलमैन थॉमस पिकेटी, इनके बारे में नाम सुना है भैया, थॉमस पिकेटी, ठीक है, फ्रेंच आदमी है, बहुत मजेदार तरीके से इन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में सुना है। दोस्तों एक बार थॉमस पिकेटी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए और उनके क्या विचार है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इट विल बी वेरी यूजफुल टू अस। एरिस्टोक्रेसी रन बाय नोबिलिटी, यू हर्ड अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन हैड तीन ग्रुपिज्म, यस नो, एक ग्रुप था नोबल्स का, ठीक है, दे वर रूलिंग, हु आर द नोबल्स, ठीक है, एक था नोबल्स का, एक था रिलीजियस रिलीजन हेड का और दूसरे थे कॉमन पीपल, है ना, ठीक है, तो ये जो नोबल्स थे, हु आर द नोबल्स, मतलब जिनका खून नोबल है भैया, है ना, राजा महाराजाओं के बच्चे, ठीक है, मतलब उनके खून में, मतलब आपने देखा ही होगा ना गेम्स ऑफ थ्रोन्स, उसमें नोबल्स की बातें होती है, ये सुनो, गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी, ब्रिटेन्स रॉयल फैमिली, है ना, ये याद है आपको, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में जो एक नई बहू आई और बड़ा हल्ला हो गया, ये सुनो, ठीक है, वो बहू ने आकर बोला कि मतलब वहाँ के रॉयल फैमिली को लगा शी इज नॉट अ रॉयल ब्लड, ठीक है, तो इनइक्वालिटी होने लगी, शी गेव द काइंड ऑफ इंटरव्यू टू मैनी न्यूज़पेपर्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द नोबिलिटी, ये आपने देखा होगा ना, ठीक है, बताइए वो लेडी का नाम और उन्होंने कहाँ पे इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उन्होंने किसे शादी करी, वो जब शादी करी तो उसके पहले वो प्रिंस और प्रिंसेस या डच डचेसिस कहाँ के थे और अब उनसे वो नोबिलिटी और वो पावर छीन लिया गया, आजकल कहाँ रहते हैं वो लोग बताइए। स्ट्रेटोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय दी मिलिट्री, ठीक है भैया, म्यांमार के बारे में बात करें तो भैया वहां तो इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया ना, मिलिट्री कू, ठीक है, आई एम श्योर यू नो वर्ड कू, COUP कू, विच इज विथ द यूज ऑफ पावर ऑफ मिलिट्री, ठीक है, रोल रिवर्सल कर देना, पावर अपने हाथ में ले लेना, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री कू, क्लियर है भैया, वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। केकिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय द लीस्ट कंपिटेंट पीपल, ओके, ये फोटोग्राफ देखकर मैं मुझे कुछ बोलना मत, ओके, ये तो कहीं दुनिया ने फोटोग्राफ बनाया, मैंने उठा के आपके सामने लेकर आया, आप इसके साथ सहमत हो या नहीं पता नहीं, पर ये भाई साहब तो करते हैं, ये सुनो, ठीक है भैया, ये कंपिटेंट थे या नहीं, बड़ा सवाल है, ठीक है, जब मैं YouTube पे कुछ लोगों की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चलता, अच्छा 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 वो पाकिस्तान के यहाँ पे भी थोड़ी इनकम्पिटेंसी दिख रही है, यूक्रेन, इजिप्ट, लीबिया, इनकम्पिटेंसी भरपूर है वहाँ पे, पीपल आर नॉट कम्पिटेंट टू रन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज, दैट्स वाई दे आर नोन एज केकिस्टोक्रेसी। एनी ऑर्गेनाइजेशन वेर यू हैव अ प्रॉब्लम कि ये बंदा वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे नहीं है और वो कंपिटेंट नहीं है, अच्छे से कर नहीं पाएगा, उसको बोला जाएगा केकिस्टोक्रेसी एंड वी हैव अ क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, भारत में जब बीजेपी सरकार आई 2014 में, उसके पहले जब प्रीवियस सरकार थी, उस सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप थे और वो सरकार के ऊपर बहुत सारे स्कैम हुए थे, ये सुनो, तो स्कैम की वजह से बोला गया था क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट रन बाय द थीव्स, इजिप्ट,
निकारकागुआ, पनामा, नाइजीरिया, मैक्सिको, सोमालिया, ये सब जगह पे चोर उचक्कों की दुनिया है भैया। वो लोग चोर उचक्के ही वहां पे राज करते हैं। जो बंदा वहां पे, भाई मैक्सिको की बात करो ना, ड्रग पेडलर, पूरी की पूरी दुनिया माफिया चलाती है। ये सुनो, आपने दिखाई हुआ ना माफिया के बड़ी बड़ी वेब सीरीजेस, है ना? आप तो मेरे से आगे ही हो इन सब बातों में कि कौन आपको रोक पाएगा भैया ये सब देखने से। तो भैया अगर आप उतना समय वहां डालते हो, यहाँ पे भी डालो। थियोक्रेसी, ठीक है, थियो इज अ रिलीजन, थियो इज गॉड या रिलीजन, ये सुनो, वहां से वर्ड निकला थियोक्रेसी, ये सुनो। सो गवर्नमेंट रन इन द नेम ऑफ गॉड, है ना? गॉड इज अ सुप्रीम लीडर, भगवान ने पावर दिया है और उसकी वजह से आप यहाँ पे रूल करते हो, ठीक है। चाइना के अंदर भी, ठीक है, माओ ज़ेडोंग, है ना, आपको बता दूं, माओ साहब, ठीक है, वो यांगसे रिवर थी ना, उसको क्रॉस करते थे, इवन एट द एज ऑफ 70 उन्होंने क्रॉस करी पूरी रिवर, ठीक है। और जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो पवित्र नदी है ना, गंगा नदी को अगर आप क्रॉस करो, गंगा नदी में आप डुबकी लगाओ, तो आप तो बहुत पवित्र हो गए हो, ऐसा माना जाता है। तो वैसे ही वहां पे भी यही विचार, ठीक है, कि भैया जो पावर माओ के पास था वो भगवान ने दिया था, सुप्रीम गॉड ने उनको पावर दिया था। वेटिकन सिटी, यमेन, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब थियोक्रेटिक दुनिया पे चलते हैं, ये सुनो। हेजियोक्रेसी, बिल्कुल याद रखना, हेजियोक्रेसी द गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन हु आर रिगार्डेड टू बी होली एंड सेंटली, ये सुनो। जहां जहां ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जहां पे बिशप्स, भगवान के संत, साधु, महात्मा, ठीक है, है ना, ये लोग राज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेजियोक्रेसी, ठीक है। भारत में जब एक इनसे स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी, स्लेव डायनेस्टी, ये सुनो, स्लेव डायनेस्टी में हेजियोक्रेसी का एक इनसे समय आया था जहां पे 40 ही बोलते थे, देयर वर 40 पीपल, दे वर अंडर द खलीफा, खलीफा को भगवान ने भेजा, ये सुनो। खलीफा था टर्क, ऑटोमन एम्पायर का राजा, है ना, ठीक है, तो वो राजा थे, उनके अंडर में ये 40 ही लोग थे। 40 ही में कौन थे? ज्यादातर लोग थे ये लोग साथ, मतलब ये होली और सेंटली पीपल, है ना, ये लोग जो बोलेंगे वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ स्लेव ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर, ये सुनो, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। एपिस्कोपसी, अ गवर्नमेंट ऑफ अ चर्च, एंड दिस गवर्नमेंट इज रन बाय बिशप्स, ही मे हैव रिटायर्ड फ्रॉम एपिस्कोपसी, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट में ही सीधा रूलिंग है, ये देखिए, हेजियोक्रेसी के अंदर इट इज गवर्नमेंट बाय बॉडी ऑफ पर्सन हु आर रिगार्डेड एज अ होली एंड सेंटली पीपल, होली लोग है ये लोग राज करते थे। यहां तो प्योरली जो बिशप है वही राज करते हैं। अगर जो बिशप होगा, जैसे तिब्बत के अंदर यू हैव दलाई लामा, ये सुनो, दलाई लामा अभी अगले एक दो साल में ये भाई साहब के ऊपर बड़े प्रॉब्लम होने वाला है। अर्गेटोक्रेसी, अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स मतलब काम करना, अर्गोनॉमिक के मतलब आप जिस तरीके से काम करते हो उस मुताबिक आपका जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो मैच होना चाहिए, ये सुनो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जिस चेयर पे बैठा हूँ वो अर्गोनॉमिक्स वाली चेयर है कि नहीं, ऐसा मेरे मन में सवाल आता है, क्यों, मैं मेरी बैक को सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जैसे बैठा हूँ हाथ वाथ रखने के मेरे लिए अच्छी जगह है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। तो वहां से वर्ड आया अर्गोटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात है, वर्किंग क्लास रूल करेगा, ऐसी बात हो रही है। तो ये हुआ आपके पास डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, एपिस्कोपसी, अर्गोटोक्रेसी, हेजियोक्रेसी, बिल्कुल अच्छे वर्ड आपने सीखे, ये सुनो। तो भैया काफी लंबा समय हमने ले लिया आपका, पर बहुत काम की हमने मेहनत करवाई आपसे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये मेथड और ये तरीका समझ में आया हो, पसंद आया हो, और आप चाहते हो कि आई कंटिन्यू विद दिस मॉड्यूल, प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू मेक 20 वीडियोस, ठीक है, थोड़े लंबे हो सकते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 20 सेशन में मैं इतनी सारी चीजें कर दूं तो मेरी गारंटी है कि एक भी, है ना, वर्ड आपको इन 20 सेशन के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये सुनो। इतनी कोशिश मैं आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों तैयार रहिए, ये बड़ी जर्नी है, मजा आएगा, ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए,
ठीक है, हमारे नए नए कोर्सेज आए हैं हर एग्जाम के लिए, बिल्कुल उसको आप लेना चाहते हैं तो हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। ये वीडियो है ना कि पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, ऑन हमारे कोर्स के ऊपर, विच इज नोन एज courses.protalentdigital.com। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, फ्री में अवेलेबल होगी। आपको कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, तो एंजॉय करिए, मजा है, बड़ी चीज हम आपको दे रहे हैं, फायदे की चीज दे रहे हैं, बड़ा फायदा होगा। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।